हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड कोमल सीर एंड अगेन हार्टली वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल दैट इज क्रेजी कोमल। सो टुडे आई एम गोना प्रेजेंट यू फॉर गिविंग यू सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर अपकमिंग फाइनेंस फेस्टिवल दैट इज मकर संक्रांति, इट मीन्स उत्तरायण। सो गाइज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, आई विल गिव यू सच अ नाइस इंफॉर्मेशन। Guys, we don't know why we are celebrating this festival, why we are flying the kites on this festival. So guys, today we will discuss about why we are celebrating this festival. So stay tuned till the end, like, share and subscribe my channel. So guys, let's start. Guys, मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर इसका मेन सेंटर एक ही है, वो है सूर्य। हाँ, मकर संक्रांति सूर्य के लिए मनाया जाता है। सो टुडे वी डिस्कस सिग्निफिकेंस बिहाइंड द रिचुअल और रिलेवेंस विद द मॉडर्न टाइम। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया की 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सो इस दिन सूर्य अपना नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है। इसकी वजह से कहा जाता है कि सूर्य अपनी स्थिति में से कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में प्रवेश करता है। उसकी वजह से इस त्यौहार का नाम मकर संक्रांति पड़ा है। इसके लिए सभी लोग इसको मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। सिंस द सन इज सोर्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इसके लिए इस इवेंट को, इस फेस्टिवल को प्राचीन भारत में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। बट नावदे किसी को भी पता नहीं है कि ये परंपरा क्या है, इसको किसके लिए मनाते हैं और इसको क्यों मनाना चाहिए। बट सभी लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि आदिकाल से ये चले आ रहा है, प्राचीन काल से ये फॉलो किया जा रहा है और हमें भी इसको फॉलो करना है। बट आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्यों हम ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और इस रिचुअल्स के साथ क्या क्या परंपराएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन नया अन्न खाना चाहिए। तो गाइस मकर संक्रांति के दिन नया अन्न क्यों खाना चाहिए, इसके पीछे भी एक रिचुअल जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति के दिन तल, जीवार, बाजरा ये सब हार्वेस्ट किया जाता है और हम सबको ये नया अनाज खाने के लिए इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि इस दिन ये सभी पाक को हार्वेस्ट किया जाता है। सो गाइस ये भी एक सिग्निफिकेंस और रिलेवेंस था कि क्यों हमको इस दिन नया अनाज खाना चाहिए और इस दिन पर खास करके खिचड़ी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन पर खिचड़ी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि अमीर हो या गरीब, ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, सभी घरों में खिचड़ी बनती है। इसलिए इस चीज़ का भी महत्व उसके साथ उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ द सिंबल ऑफ यूनिफॉर्मलिटी एंड डाइवर्सिटी। आइज ये तो था कि हमें इस दिन नया अन्न क्यों खाना चाहिए। मैं आपको एक और रिचुअल बता देती हूँ जो मकर संक्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि एक सूर्यवंशी होने के नाते आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों इसी दिन प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करने का एक विशिष्ट महत्व है। हाँ, आपने सही सुना है, इस दिन प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान करने का भी एक विशिष्ट महत्व है।
सो गाइस, ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन नॉलेज अबाउट द अपकमिंग फेस्टिवल दैट इज मकर संक्रांति. सो गाइस, फ्रॉम मी एंड माय फैमिली विश यू ऑल अ हैप्पी मकर संक्रांति. फुल एंजॉय विद योर फैमिली. अगेन एंड अगेन, हैप्पी मकर संक्रांति. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ सपोर्ट. हाउ इज अ वीडियो? कैन यू प्लीज कमेंट मी इन कमेंट.